तो कुछ इस प्रकार से ही आप अपना कैश मेमो को रेडी कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि मैं फोटोशॉप में आ गया हूँ, और फोटोशॉप में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास फोटोशॉप का 7.0 वर्जन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि बिल बुक आप इस फोटोशॉप में कैसे डिजाइन कर सकते हो। दोस्तों बिल बुक या रिसिप्ट या कैश मेमो जो भी कह रहे हो वो एक ही होता है, तो उसको डिजाइन करने के लिए फोटोशॉप हमारे लिए काफ़ी है। तो उसके लिए मुझे सबसे फर्स्ट स्टेप क्या लेना पड़ता है कि जब हम किसी भी कैश मेमो को डिजाइन करने जाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हम किस साइज में उसको डिजाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे अभी 4:6 साइज में डिजाइन करना है। सिंपल यहाँ पे फाइल में जाना है और न्यू में जाना है साइज लेने के लिए। प्रीसेट साइज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको कोई भी साइज ले सकते हो। तो फिलहाल अभी मैं 4:6 साइज का एक साइज ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं रेजोल्यूशन 300 है तो उसको रहने देता हूँ। कलर यहाँ पे कलर में बनाएंगे तो RGB रहना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैश मेमो, ठीक है। कैश मेमो हमने टाइप कर दिया, उसके बाद यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे हमारे पास एक साइज तैयार हो गया है जो कि इस पर हम अभी कैश मेमो तैयार करने वाले हैं। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको विंडो में जाना है और यहाँ से लेयर मेनू में चले जाना है, लेयर पैनल में, और लेयर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारा लेयर पैनल एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी काम करेंगे हम लेयर पैनल को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। अब जो भी दिक्कत आएगा उस लेयर पैनल की मदद से हम ऊपर नीचे उस लेयर को करके अपना डिजाइनिंग करते चले जाएंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को देख के मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, जिसकी मदद से बड़े ही आसानी से आप सीख जाएंगे कि बिल बुक को आखिर में कैसे डिजाइन किया जाता है। एक एग्जाम्पल के रूप में बताएंगे, लेकिन आपको एग्जाम्पल ही बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा आपको कई एक नई कैश मेमो डिजाइन करने में, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक बॉर्डर लेना है, बॉर्डर यानी कि एक शेप, एक पट्टी लेना है। पट्टी लेने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे शेप टूल में, और शेप टूल में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो रेक्टेंगल टूल है। हम इसको यहाँ से इस प्रकार से हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ही ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से हमारा एक पट्टी डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से पट्टी लिया हूँ, और अगर चाहूँ तो यहाँ से कोई और भी पट्टी मैं ले सकता हूँ, प्लस साइज ठीक है। तो यहाँ पे मैं 0.3 लेके देखता हूँ। इसका जो कॉर्नर है वो ज़्यादा कर्व नहीं होना चाहिए, अभी हमारा फिलहाल इतना कर्व ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हमने यहाँ पे इसको कंट्रोल टी करता हूँ मैं, और कुछ इस प्रकार से इसे बड़ा कर देता हूँ, देख ही सकते हो आप। हमने यहाँ पे इसको साइड में लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कौन सा हमारा शॉप का नाम है, यहाँ पे शॉप का नाम हम लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे गणेश इंटरप्राइजेस का नाम दे दिया है। अब यहाँ पे इसको यहाँ से मैं ब्लैक कर देता हूँ, जिससे हमारा ये फॉन्ट हेवी साइज में हो जाए, यानी कि ये बोल्ड अच्छी तरीके से बोल्ड हो जाए। अभी मैं यहाँ पे इसको कर दिया हूँ, अब तो फिलहाल के लिए मैं अभी यही फॉन्ट रखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसे बड़ा कर देता हूँ इस बॉक्स के अनुसार। तो अभी मेरा इतना बॉक्स में तैयार है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं और इसको ऊपर की ओर कर देता हूँ, और इस फॉन्ट को ऊपर कर देता हूँ। अब इसका कलर मुझे, जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्रीन लिया है, तो इसका फॉन्ट का कलर मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। जैसे लेयर में जाएंगे, लेयर स्टाइल में जाएंगे, और यहाँ पे कलर ओवरले करेंगे, तो यहाँ पर हम कलर इसका यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे वाइट दे सकता हूँ, या यहाँ पे मैं रेडिश दे सकता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रोक में जाएंगे और इसे वाइट कर देंगे। तो जैसे कि देख सकते हो आप कि हमने इसे कलर दे दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक गणेश जी का लोगो लगा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं गणेश जी का लोगो लगाता हूँ। यहाँ पे आप सर्च करेंगे GANS गणेश लोगो, तो यहाँ पे गणेश जी का लोगो आ जाएगा। इसी लोगो को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल टी करेंगे, इसको यहाँ से छोटा करेंगे, और यहाँ पर इस साइज में हम इसे सेट कर देंगे। हमने यहाँ पे अपना बॉर्डर लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक टैग, यहाँ पे एक लाइन लगाना चाहता हूँ, तो एक यहाँ से लाइन टूल लूँगा और यहाँ से मैं इसको ड्रो कर दूँगा। पर लाइन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पतला है, तो यहाँ पे मैं 5 पिक्सल कर देता हूँ। यहाँ पर ज़्यादा हो गया तो 0.2 कर देता हूँ मैं, और अब यहाँ पर ज़्यादा हो गया, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, 0.01 करता हूँ। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि लाइन हमारा परफेक्ट है, तो यहाँ पे मैं इसका लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। अभी यहाँ पे हमारा लाइन ड्रॉ हो चुका है। अभी हमने इतना इसको लगा दिया हूँ, थोड़ा सा और गणेश लोगों को नीचे कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं कैश मेमो ऊपर में लिखना चाहूँ तो वो भी मैं लिख सकता हूँ। टेक्स्ट टूल लूँगा यहाँ से, और यहाँ मैं दूसरा फॉन्ट ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैश मेमो।
केस मेमो, ठीक है। इसको यहाँ से मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसका जो गैपिंग है वो थोड़ा सा कम करना हूँ। कम करने के लिए अल्ट और एरो की को आप लेफ्ट साइड करेंगे तो यहाँ पे ये इसका स्पेस कम हो जाएगा, ठीक है। इसको छोटा करके सिंपल यहाँ पे आप इसको बीच में सेंटर में रख देंगे। अच्छा, इसका सेंटराइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रूलर बार में जाएंगे, आपको परसेंटेज कर देना है और उसके बाद व्यू में जाएंगे और न्यू गाइड जाएंगे और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में जाएंगे और 50% करेंगे तो यहाँ पर ये बीच में इधर पड़ जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे आप व्यू में जाएंगे और न्यू गाइड में जाएंगे, वर्टिकल में 50% ओके करेंगे, यहाँ पे सेंटर पे एक लाइन आ जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे सेंटर में जो लाइन आया है इसको यहाँ पे इस प्रकार से मैं सेंटर कर दिया, तो अभी हमारा ये सेंटराइज हो गया है जैसे कि देख सकते हैं। इसको यहाँ से मैं स्ट्रोक दे देता हूँ वाइट कलर का, वाइट कलर का स्ट्रोक दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो तो ये हमारा यहाँ पे केस मेमो का हेडिंग बन चुका है। अभी यहाँ पे मुझे नाम और ये सब चीज़ें लिखने के लिए पार्टी का मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ और टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पर मुझे जैसे कि नाम लिखना है, पहले तो लिखना है बिल नंबर, बिल नंबर। उसके बाद यहाँ पे लिखना है डेट, यहाँ पे मैं लिख दूँगा डेट, डेट यहाँ पे हमने डेट कर दिया इसको। और इसका साइज यहाँ पे थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, जैसे बोल्डनेस को है तो इसको मैं इसको यहाँ पे इतना छोटा कर दिया हमने, कंट्रोल टी किया। उसके बाद यहाँ से हमने इसको यहाँ से हम साइड कर देंगे। उसके बाद नीचे जाएंगे और नीचे लिख देंगे मैं नेम। इसका यहाँ पे गैपिंग कम करने के लिए अल्ट को प्रेस करके रखेंगे और अप वाला की को दबाएंगे कीबोर्ड में, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे जैसे कि नाम लिखना है तो यहाँ पे मुझे नाम लिख देना है इस प्रकार से, ठीक है। और उसके बाद लिखना है मुझे एड्रेस, एड्रेस हमने लिख दिया। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमने एड्रेस लिख दिया और इतना ही लिखा जाता है पार्टी का, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा जाता है। और यहाँ पे साइड में मैं चाहूँ तो मोबाइल नंबर भी लिख सकता हूँ, तो मोबाइल हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे इसे मैं डिलीट मार दूँगा साइड से थोड़ा सा और, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हो गया, बिल नेम एड्रेस डेट मोबाइल नंबर ये पार्टी का हो गया। और अभी मुझे क्या करना है, ये भी इतना हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं। और अब यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन देना है यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से मुझे एक पट्टी लगा देता हूँ मैं और पट्टी के अंदर अभी मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखूँगा, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे कंट्रोल एल वाई बी प्रेस करेंगे शॉर्ट कमांड, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका एक पट्टी लग गया, कलर चेंज हो गया। और उसके बाद क्या करना है, एक नीचे में जो है, नीचे में जैसे कि नीचे में करना है आपको, नीचे में मुझे एक लाइन देना है जैसे कि कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे लाइन टूल आप लेंगे, वीडियो को आप ध्यान से देखना, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, ठीक है। इसका कलर यहाँ पे थोड़ा सा मैं 0.03 कर देता हूँ, मैं पे ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे मैं 5 पिक्सल करके देखता हूँ, इसमें भी लाइनिंग पता नहीं चल रहा है तो मुझे यहाँ पे 10 पिक्सल करना है। देखिए अब यहाँ पे लाइन हमारा ठीक दिख पा रहा है, तो मैं यहाँ पे इसका कलर को मैं ब्लैक कर दूँगा। पहले मैं लाइन टूल यहाँ से ले लेता हूँ और उसके बाद एल वाई बी करूँगा, एल वाई बी करता हूँ और ये ब्लैक हो जाएगा। अब ब्लैक करने के बाद इसको यहाँ से इधर साइड में कर देता हूँ, इसको भी इधर साइड कर देता हूँ और इसे मैं कंट्रोल टी दबाऊँगा और डाउन एरो की मदद से इसे नीचे कर लूँगा, ठीक है। हमने इतना नीचे कर लिया है, हमने नीचे कर दिया। चलिए इसके बाद मुझे 3 लाइन देना है, ठीक है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक लाइन देना है, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लाइन दे देता हूँ मैं, ये हो गया सबसे फर्स्ट लाइन। इसका लाइन का थोड़ा सा स्पेसिंग में कम दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लाइन टूल में जाएंगे, इसका पिक्सल में यहाँ पे कर देंगे 6 पिक्सल और उसके बाद कुछ
मुझे लाइन का स्पेसिंग यहाँ पे देना पड़ेगा, और यहाँ पे लाइन का स्पेसिंग मैं 6 पिक्सल दे दिया हूँ, कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसी का एक कॉपी बना दूंगा मैं, ठीक है। इसमें सीरियल नंबर होगा, इसमें डिस्क्रिप्शन होगा, इसमें क्वांटिटी होगा, और इसमें रेट होगा, और यहाँ पे साइड में अमाउंट होगा। अभी मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। तो अभी हम इसको लाइनिंग को मैनेजमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम भी करके आप कर सकते हैं काम, थोड़ा सा इसको सीरियल को और छोटा कर दूंगा, क्योंकि सीरियल नंबर 1, 2, 3 लिखाने वाला चीज़ है, तो उसमें ज़्यादा गैपिंग की ज़रूरत नहीं है। क्वांटिटी में भी 1, 2, 3 लिखा गया तो बहुत ज़्यादा हो गया, जितना क्वांटिटी होता है उतना ही लिखाता है। तो यहाँ पर हमने इसका स्पेसिंग भी लगा दिया हूँ, ठीक है। अमाउंट का भी थोड़ा सा जगह मैं कम कर देता हूँ, और सबसे ज़्यादा साइज जो होगा वो डिस्क्रिप्शन का होगा दोस्तों, पर्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन आप जो भी कहेंगे उसका होता है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे सबसे पहले मुझे लिखना है सीरियल नंबर, SL नंबर, ये हो गया। अब SL नंबर को LYB कर दूंगा, और इसको यहाँ से वाइट कर दूंगा, स्ट्रोक हटा दूंगा मैं, ओके कर दूंगा, कंट्रोल टी करेंगे, ऊपर की ओर लेके चले जाएंगे इसको, और यहाँ पर मुझे इसको साइड कर देना। तो यहाँ पे मैं, यह तो इतना बड़ा हो रहा है, तो इसको यहाँ पे सिंपल SN कर दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद मुझे अल्ट और शिफ्ट प्रेस करना है, इसका एक कॉपी बना लेंगे। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पर्टिकुलर, ठीक है, PRTICULARS पर्टिकुलर्स। अब अल्ट और शिफ्ट प्रेस करेंगे, ठीक है, फिर कॉपी बनाएंगे। अब यहाँ पे लिख दूंगा मैं क्वांटिटी, QNTY क्वांटिटी हमने लिख दिया, इसको यहाँ से साइड कर दूंगा। इसका एक और कॉपी बना दूंगा मैं, इसका हमने कॉपी बना दिया। और यहाँ पे अब मैं लिख दूंगा रेट, रेट हमने इसको रेट लिख दिया, थोड़ा सा इसको साइड कर दिया, यहाँ पे हमने कंट्रोल टी किया, इसको साइड लेके चला गया। अब यहाँ पे अमाउंट लिख देता हूँ मैं, अमाउंट लिख दिया हमने इसका, इसको साइड कर दिया हमने। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया, इस पर जो पार्ट्स लिखाते हैं वो हो गया। तो पर SN नंबर हो गया, पर्टिकुलर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इतना हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे सिंपल यहाँ पे मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है नीचे में, और नीचे लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मैं टोटल लिखूँगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्वांटिटी यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे साइड में जब ये टोटल लिखाता है दोस्तों, तो वो टोटल आपको ये देना पड़ता है, ठीक है। मैं इसको टोटल लिख देता हूँ, पे टोटल का एक लाइन बनाना पड़ता है, और इसका एक कॉपी बना देता हूँ मैं, हमने बना दिया इसको, और इसका यहाँ से एक कॉपी बना देता हूँ मैं पर्टिकुलर टेक्स्ट का, और LYB प्रेस करता हूँ, ये हो गया। कंट्रोल टी दबाएंगे, इसको सिंपल उठा करके पे, इसको उठा करके मैं यहाँ पर ले आता हूँ, यहाँ पर मैं लिख दूंगा टोटल, लिख देंगे आप, टोटल, और यहाँ पे आप जैसे कि राउंड टोटल हो गया, और यहाँ पे यहाँ पर हमने राउंड लगा दिया नीचे, तो राउंड की जगह पे यहाँ पे मैं ग्रांड टोटल कर देता हूँ, ये हो गया मेरा ग्रांड टोटल, ये हो गया।
अभी मेरा यह केस मेमो लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन अभी मुझे क्या करना है कि नीचे में मुझे एक पट्टी लगा देता हूँ मैं सिंपल इसी कलर का। मैं इसको यहाँ से नीचे करता हूँ, ठीक है, और इसका कलर मैं यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ग्रीन लगा दिया। अब उसके बाद मुझे नीचे क्या करना है, यहाँ पे मुझे जैसे कि सिग्नेचर करना है, तो सिग्नेचर करने के लिए वो जो रहता है मैं उसको यहाँ पे सिग्नेचर लगा देता हूँ, यहाँ पे सिग्नेचर NATURE सिग्नेचर हो गया। यहाँ पे इसको नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे सिग्नेचर का पे साइन लगा दिया हमने, और उसके बाद यहाँ पर कस्टमर सिग्नेचर लगा देता हूँ, COS NATURE कस्टमर सिग्नेचर, ये हो गया। अब यहाँ पे इस पर लिख देना है आपको अमाउंट इन वर्ड, ठीक है, AMOUNT अमाउंट इन WRDS, इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए और इसको यहाँ से यहाँ तक डॉट डॉट कर दो, और उसके बाद इसका कलर यहाँ से वाइट कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केस मेमो तैयार, जैसे कि आप देख सकते हैं बड़े ही आसानी से हमने इस केस मेमो को तैयार कर चुका हूँ। तो कुछ इस प्रकार से ही आप अपना केस मेमो को रेडी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसका एक बॉर्डर देना चाहते हो तो बॉर्डर कंट्रोल ए करना है आपको, यहाँ से लेयर पैनल को ओपन कर लेना है और यहाँ पे बैकग्राउंड में सेलेक्ट कर लेना है आपको, और कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करना है, ओके करना है, अल्ट ई एस प्रेस करना है, और यहाँ से 10 पिक्सल का यहाँ पर बॉर्डर लगा देना है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने इसको बॉर्डर लगा दिया हूँ, देखिए यहाँ पे हमने बॉर्डर लगा दिया है। कुछ इस प्रकार से इसको नीचे कर देना है, केस मेमो को भी यहाँ पे नीचे कर देना है, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे अभी हमारा केस मेमो तैयार हो चुका है बिल्कुल आसान तरीके से। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एस शॉर्ट कमांड है, या तो आप जब फाइल में जाएंगे सेव एज करेंगे और यहाँ पे डेस्कटॉप में जाएंगे, यहाँ से मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ केस मेमो, ठीक है, और यहाँ से मैं अपना PSD फाइल को सेव कर लेता हूँ, ओके करता हूँ यहाँ से, और अब यहाँ से मैं इसका एक सेव एज करके अब मैं JPG फाइल सेव करता हूँ। यहाँ पे मैं फाइल में जाऊँगा, सेव एज पे जाऊँगा, और यहाँ से मैं JPG फाइल यहाँ से हमने सेव कर दिया, ओके किया। अब यहाँ पे डेस्कटॉप में जाएंगे, केस मेमो फाइल पे क्लिक करेंगे। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। धन्यवाद।